हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में एक DNH कंपनी का BFD है, जिसका मॉडल नंबर D32 सीरीज है। इस BFD के थ्रू हम लोग किसी भी मोटर को रिवर्स में फॉरवर्ड में एक पुश बटन के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, ताकि हमारा BFD भी सेफ रहे और मोटर भी सेफ रहे, ठीक है। इसके लिए हम लोग कैसे इसका वायरिंग करते हैं, कंट्रोल वायरिंग, और हम लोग इसका कौन सा पैरामीटर सेट करते हैं ताकि हम लोग किसी भी मोटर को पुश बटन के थ्रू फॉरवर्ड में रिवर्स में ऑपरेट कर सके, और साथ में पोटेंशियल मीटर के थ्रू हम लोग इसका स्पीड कंट्रोल भी कर सके। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो रिमोट मोड में 3 वायर कंट्रोल कैसा करते हैं? रिवर्स और फॉरवर्ड में मोटर को चलाना है पुश बटन के थ्रू, और स्टॉप का हम लोग पुश बटन यूज करेंगे, तो कैसा हम लोग उसका वायरिंग करते हैं। फर्स्ट हम लोग वायरिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पैरामीटर लिख देंगे, ठीक है। ये जो 0 वोल्ट है, 0 वोल्ट से हम लोग एक वायर यहाँ से लेंगे, ठीक है। 0 वोल्ट से वायर लेने के बाद में हम लोग यहाँ LI1 में हम लोग एक पुश बटन यूज करेंगे, ठीक है। पुश बटन यूज करेंगे हम लोग, ये फॉरवर्ड के लिए पुश बटन, ये हम लोग फॉरवर्ड का पुश बटन हो गया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ से एक पुश बटन लेके आएंगे, ठीक है। ये हमारा रिवर्स का पुश बटन होगा, ठीक है। ये वायर हम लोग 0 वोल्ट ला के फॉरवर्ड के पुश बटन में देंगे, और ये रिवर्स का पुश बटन में देंगे, ठीक है। रिवर्स का पुश बटन में देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा LI3 जो हमारा है, स्टॉप का पुश बटन है, ठीक है। मतलब हमको रिवर्स और फॉरवर्ड में चलाने के टाइम में हमको मोटर को स्टॉप करना है, तो हमको स्टॉप का पुश बटन यहाँ पर यूज करेंगे। ये हमारा स्टॉप का पुश बटन होगा, ठीक है। स्टॉप का पुश बटन होगा, ठीक है। उसके बाद हम पोटेंशियल मीटर चलाना चाहते हैं, इसके थ्रू पोटेंशियल मीटर लगाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमने एक पोटेंशियल मीटर यहाँ पर बना दिया, पोटेंशियल मीटर यहाँ पर बना दिया, और हमारा 10 वोल्ट का हम एक वायर ला के पोटेंशियल मीटर में एक पॉइंट पर दे देंगे, और AI1 से जो निकाल के हम लोग पोटेंशियल मीटर के दूसरा पॉइंट पर देंगे, और तीसरा पॉइंट से हम लोग 0 वोल्ट पर ला के पोटेंशियल के तीसरा पॉइंट पर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसके साथ में एक रिले यूज करना चाहते हैं, जैसे BFD रन होने के टाइम में हमारा इंडिकेशन लैंप कुछ जलना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ये TC जो टर्मल है, इसके अंदर हम लोग एक फेस वायर देंगे, ठीक है। और इसका यूनो पॉइंट TA रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग एक वायर यहाँ से निकाल के हम लोग यहाँ पे एक इंडिकेशन लैंप डाल देंगे, और यहाँ से हम लोग न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है। मतलब ये जो इसके अंदर BFD का रिले होता है, इसके अंदर हम लोग 230 वोल्ट ईजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। 230 वोल्ट हम लोग AC यूज कर सकते हैं, चाहे तो DC भी यूज कर सकते हैं, और या 24 वोल्ट DC यूज कर सकते हैं, या 24 वोल्ट AC यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 230 यूज कर सकते हैं ईजिली, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये जब भी BFD रन होगा, ये कॉमन में सप्लाई हमने दे दिए, फिर सप्लाई वह एनो पॉइंट रहता है, BFD रन होने के टाइम में, चालू होने के टाइम में एनो हो जाए, NC हो जाएगा, बाद में आपका लैंप चालू हो जाएगा, मतलब ये रन का इंडिकेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा हम लोग इसका फॉरवर्ड और रिवर्स में चलाने के लिए स्टॉप पुश बटन के थ्रू कैसे चलाते हैं, तो इसके लिए हम लोग वायरिंग ऐसा कर लेंगे, और हम लोग इसका पैरामीटर कौन सा डालना चाहिए उसके इसके बाद में आपको पैरामीटर लिस्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप वन बाई वन वीडियो देखते रहें, पूरा डिटेल आपको मिलेगा, ठीक है। अब रिमोट मोड में 3 वायर का कंट्रोल करने के लिए रिवर्स और फॉरवर्ड में पुश बटन के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, पुश बटन रिवर्स के लिए, फॉरवर्ड के लिए, और स्टॉप पुश बटन के थ्रू हम लोग कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं, वायरिंग मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। और कौन सा पैरामीटर हम लोग सेट करते हैं, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं कौन सा पैरामीटर। फर्स्ट हमारा जो है, हम लोग ये 002 में जाके हम लोग 0 सेट करेंगे, ये हमारा रनिंग कमांड सिलेक्शन है, ठीक है। 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग एफ 003 में हम लोग जाने के बाद में ये हमारा फ्रीक्वेंसी कमांड सोर्स है, ठीक है। इसके अंदर भी हम लोग 1 सेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने जो टर्मल यूज किया है 1 नंबर टर्मल यूज किया है, AI1, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी जो कमांड है हम लोग पोटेंशियल मीटर यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने 1 सेट कर दिया, ठीक है। जो मैं पैरामीटर बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप सेट कर लेंगे, तो इजिली आपका ड्राइव अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F300 में जाएंगे, उसके बाद में हम लोग इसके अंदर हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। ये जो हमारा A1 का इनपुट फंक्शन है, हम लोग एनालॉग इनपुट का फंक्शन है। उसके बाद में हम लोग F301 में हम लोग ये हमारा जो डिजिटल इनपुट का जो टर्मिनल है उसके हम लोग इनेबल करने के लिए हम इसको 301 में हम लोग 2 सेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद F302 में हम लोग जाने के बाद में हम लोग इसके अंदर सेट करेंगे 3 सेट करेंगे, ठीक है। ये हम लोग ये हमारा जो टर्मल है LI1 का फॉरवर्ड के लिए, और LI2 में हम लोग रिवर्स के लिए सेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पैरामीटर है,
उसके बाद जो हमारा टर्मिनल है F303, ठीक है, F303 में हम लोग इसके अंदर हम लोग 30 सेट करेंगे, ठीक है। 30 क्यों सेट करेंगे हम लोग, हमारा जो टर्मिनल है ALI3, हम लोग इसको स्टॉप के लिए यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग इसको 30 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F305 में डायरेक्ट जाएंगे, इसके अंदर हम लोग सेट करेंगे 0 सेट करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 0 सेट कर लेंगे। ये जो हमारा 305 है, ये हमारा एनालॉग इनपुट का एनालॉग इनपुट मोड सेटिंग है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F306 में हम लोग इसके अंदर भी हम लोग 1 सेट कर लेंगे, ठीक है, 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा लॉजिक इनपुट है, टाइप सिलेक्शन है। उसके बाद में हम लोग दूसरा F309 में जाएंगे, ठीक है। F309 में जाने के बाद में हम लोग इसको 1 सेट करेंगे, ठीक है, 1 सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा इसके अंदर हम लोग 1 सेट करें, ठीक है। ये इनपुट फंक्शन है, इसको ब्रैकेट दे दे रहा हूँ यहाँ से, दूसरा पैरामीटर के लिए सेटिंग करने के लिए। उसके बाद जो हमारा टर्मिनल पैरामीटर है F310 में जाने के बाद में हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है, 0 सेट कर लेंगे। F310 में हम लोग 0 सेट कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग F522 में जाने के बाद में हम लोग इसको 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। ये मोटर रिवर्स का सेटिंग है, मोटर सॉरी F522 में 0 सेट कर लेंगे, मोटर रिवर्स का सेटिंग है। उसके बाद में हम लोग F523 में जाने के बाद में हम लोग इसको 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा मोटर का स्टॉप टाइप है, मोटर के स्टॉप टाइप 523 में, ठीक है। ऐसा हम लोग किसी भी मोटर को थ्री वायर कंट्रोल में, मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड में पुश बटन के थ्रू अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो आप इतना पैरामीटर सेट करना होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको पैरामीटर लिस्ट बताया, उतना पैरामीटर आप सेट कर लेंगे, आपका मोटर अच्छी तरह से इजीली रन करेगा, ठीक है। कुछ भी आपको दूसरा सेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चाहे तो इस पैरामीटर को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपका वायरिंग का भी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। किसी भी कौन सा भी फंक्शन को सेट करने का पहले पैरामीटर जो भी सेट करने का, लेकिन आपको मोटर डाटा डालना होगा, ठीक है। जब भी आपका मोटर भी सेफ रहेगा और आपका वीएफडी भी सेफ रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने मोटर डाटा का अलग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ओनली मोटर डाटा का, ठीक है। किसी भी कौन सा भी फंक्शन आप सेट करेंगे साथ में आपको मोटर डाटा डालना होगा, ठीक है। ये मोटर डाटा का जो पैरामीटर रहेगा वो आपका पैरामीटर, मोटर डाटा का जो पैरामीटर है ये हमारा फर्स्ट हमारा F100 में जाएंगे, ठीक है। F100 में जाएंगे तो आपको ऑटो ट्यूनिंग का ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऑटो ट्यूनिंग का, ठीक है। ऑटो ट्यूनिंग का मतलब है कि अगर आप ऑटो ट्यूनिंग में इनेबल करेंगे, इस पैरामीटर जाने के बाद इनेबल करेंगे तो आपको मोटर का जितने भी डाटा रहेगा BFD ऑटोमेटिक कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर चलते हैं F101 में, ठीक है। F101 में हमारा मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। मोटर का हमारा फ्रिक्वेंसी हम लोग इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। मोटर करके आप लोग नेम प्लेट पर चेक करके डाल सकते हैं, ठीक है। मोस्टली 50 हर्ट्ज रहता है, लेकिन फिर भी आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F102 में जाने के जाएंगे तो आपको मोटर का वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, मोटर का वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, मोटर का वोल्टेज, ठीक है। इसका जो डिफॉल्ट वोल्टेज रहता है BFD के अंदर 380 वोल्ट रहता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग F103 में जाएंगे तो F103 में जाएंगे तो मोटर का करंट मिलेगा, ठीक है, मोटर का एम सी मिलेगा, मोटर का एम पी आप लोग चेक करके सेट कर सकते हैं मोटर का नेम प्लेट पर, ठीक है। उसके बाद में हमारा दूसरा पैरामीटर पर जाएंगे तो F104 में जाने के बाद में हमारा मोटर का
स्पीड आएगा, ठीक है, मोटर का स्पीड मतलब कि आरपीएम, आरपीएम आप चेक कर सकते हैं। इसका मोस्टली डिफॉल्ट 1400 रहता है, ठीक है, 1440 रहता है आरपीएम, फिर भी आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो इतना बेसिक रहता है आप लोग ये इतना पैरामीटर आप लोग बेसिक पैरामीटर सेट, बाकी मोटर का डाटा ज़्यादा रहता है 106 से लेके 1019 तक, 1190 तक रहता है, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो आप लोग इसमें सेट, आप लोग इसमें करंट लिमिट भी सेट कर सकते हैं मोटर का। जैसे करंट लिमिट सेट करना है तो एफ करंट लिमिट के एफ 107 में जाएंगे तो इसके अंदर आप लोग मोटर का करंट लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है, मोटर का करंट लिमिट। अपना करंट लिमिट इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मोटर का डाटा आप लोग बेसिकली लाजम डालना चाहिए जब ये कभी अपडेट अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है। किसी भी कौन से भी हम फंक्शन अगर आप यूज करें तो मोटर का डाटा डालना जरूरी होता है जब भी अपना बी अपडेट अच्छी तरह से रन करेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले कीपैड के बारे में जान लेते हैं, कौन सा बटन किसके लिए यूज करते हैं, उसके बाद में हमारा सेटिंग आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा जो ग्रीन कलर का जो बटन दिख रहा है ये हमारा स्टार्ट का बटन है, मतलब मैनुअली हम लोग कीपैड के थ्रू स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो ये रेड कलर स्टॉप का बटन है, इसके थ्रू हम लोग स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं इजीली कीपैड के थ्रू, ठीक है। ये हमारा जॉग का बटन है, ये हमारा स्किप का बटन है, ऊपर हमारा मोड का बटन है, ठीक है। उसके बाद अप और डाउन का जो देख सकते हैं बटन है, इसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम को अप डाउन कर सकते हैं या हम लोग कीपैड के थ्रू फ्रिक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा इंटर का बटन है, ठीक है। और ये सेंटर का जो आप देख सकते हैं पोर्ट, इसके थ्रू हम लोग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, अगर आप इसके थ्रू स्पीड और कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं पोर्ट के। तो इसके अंदर इस ड्राइव के ऊपर भी पोर्ट लगा हुआ है, इसके थ्रू हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हम लोग मोड का बटन वन टाइम प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद में हमारा जो आता है फर्स्ट हम लोग F0 आता है, F0 मोड आता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम लोग फर्स्ट मोड देख लेते हैं कितने टाइप का मोड है, मतलब कितना ऑप्शन है इसके अंदर, उसके बाद में हम लोग सेटिंग देखेंगे। F0 आया आपको, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अप और डाउन का जो बटन है उसके थ्रू हम लोग देख P0 का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये पूरा पैरामीटर के बारे में मैं बताऊंगा, अब वीडियो में बने रहे प्लीज़। और हम लोग डाउन की दबाएंगे तो F9 है, F9 का मतलब है कि F900 से ऊपर का पूरा पैरामीटर आपको इसके अंदर मिलेगा। F8 आ रहा है, F8 में आप इंटर करेंगे तो F800 से ऊपर आपको पूरा पैरामीटर मिलेगा। F7 आ रहा है, F7 है क्या मतलब कि F700 से ऊपर का पैरामीटर पूरा मिलेगा। F6 में सेम आपको F600 से ऊपर का पैरामीटर मिलेगा। F5 में भी सेम आपका F5 से F400 में, F300 में, F200, F1 में, F100 से। हमको F0 में जाएंगे फर्स्ट हम लोग, ठीक है। F0 का हम लोग सेटिंग देखेंगे इसके अंदर क्या क्या सेटिंग है, उसके बाद में हम लोग दूसरा में सेट F0 का हम लोग इंटर किया, इंटर करने के बाद में F000 आ रहा है, इसको हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है। तो इंटर करेंगे तो हम इसके अंदर जो हम लोग मैनुअली फ्रिक्वेंसी सेट कर सकते हैं, अगर आप कीपैड के थ्रू चलाना चाहते हैं BFD को तो मैनुअल फ्रिक्वेंसी हमने 10.3 GHz रखा है, ठीक है। तो आप लोग ये फ्रिक्वेंसी इसके अंदर मैनुअल सेट करके स्टार्ट स्टॉप करेंगे तो BFD मैनुअली कीपैड के थ्रू स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा, अगर आप इसको 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा आप लोग इसके अंदर। उसके बाद दूसरा जो हमारा पैरामीटर है F001, ठीक है। F001 जो हमारा है ये मोटर कंट्रोल मोड है, ठीक है। इसके अंदर हमने 0 रखा है क्योंकि BF कॉन्स्टेंट के हमने हिसाब से हमारा मोटर है उसी हिसाब से हमने रखा है, ठीक है। इसको डाउन की करेंगे तो 2-3 ऑप्शन है आपका, जो सा कंट्रोल मोड है मोटर कंट्रोल मोड उसी हिसाब में आप लोग सेट कर सकते हैं। हमने 0 सेट किया है क्योंकि हमारा BF कॉन्स्टेंट का हमारा हिसाब से मोटर है। और दूसरा जो हमारा है F00 हो गया, उसके बाद हम लोग और एक बार दबाएँगे तो ऑलरेडी मैंने 0 सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इंटर करेंगे F002 और F002 हमारा कमांड मोड सिलेक्शन है। कमांड मोड सिलेक्शन मतलब हम लोग BFD को टर्मिनल से चलाना चाहते हैं, कीपैड के थ्रू चलाना चाहते हैं या हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू चलाना चाहते हैं। तो हमने 0 रखा है, 0 मतलब हम टर्मिनल के थ्रू ही हमको चलाना है, 2 रखेंगे तो आपको सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू चला सकते हैं और 1 रखेंगे तो आपको कीपैड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब इस BFD को कीपैड को जो इसके ऊपर जो बटन है स्टार्ट स्टॉप उसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 0 रखा क्योंकि हमको टर्मिनल के थ्रू बाहर से स्विच के थ्रू ऑन ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए हम लोग F003 आ रहा है, F003 में हमारा ये फ्रीक्वेंसी सेटिंग मोड सिलेक्शन है। तो हमने 1 रखा है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी सेटिंग हमको फ्रीक्वेंसी
कि हम लोग एच पी एफ डी को फ्रिक्वेंसी किसके थ्रू दे रहे हैं, रेफरेंस किसके थ्रू हमला ऑन करना है, हम लोग टर्मिनल के थ्रू दे रहे हैं तो कौन सा टर्मिनल इनेबल करना है। तो हमको अगर जीरो इसके अंदर सेट करेंगे तो आपको इसके ऊपर जो पोर्ट लगा उसके थ्रू आप लोग फ्रिक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर वन सेट करेंगे तो आपको ई आई वन टर्मिनल इनेबल हो जाएगा। तो हमने वन यूज किया है तो हमने वन सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा अगर एफ जीरो जीरो थ्री में टू सेट करेंगे तो ए आई टू टर्मिनल इनेबल हो जाएगा, ठीक है। एफ जीरो जीरो फोर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इंटर करेंगे, इंटर करेंगे तो इसके अंदर हम लोग जीरो इसका डिफॉल्ट है, ये कमांड मोड सिलेक्शन टू है, ठीक है। कमांड मोड सिलेक्शन वन मैंने सेट कर दिया और ये टू है, इसके अंदर जीरो सेट किए। टर्मिनल मोड में इसको भी हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी डिफॉल्ट इसका टर्मिनल मोड ही रहता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अगर कीपैड के थ्रू यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं सेकेंड मोड के लिए। अब ये एफ जीरो जीरो फाइव आ रहा है, ये एफ जीरो जीरो फाइव हमारा जो है ये हमारा फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन मोड टू है। तो हमको वन यूज के लिए हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन मोड टू यूज करना चाहते हैं, जैसे ए आई टू टर्मिनल यूज करना चाहते हैं, हमने ए आई वन यूज किया, ए आई टू यूज करना चाहते हैं किसी अदर फंक्शन के लिए, तो आप लोग टू इसके अंदर टू सेट करेंगे तो आपका टर्मिनल ए आई टू इनेबल हो जाएगा क्योंकि वन हमने ऑलरेडी इनेबल कर दिया है। अगर आप ए आई टू भी के थ्रू दूसरा कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं, जैसे आपको पोटेंशियल मीटर भी साथ में लगाना है बाहर से, ऑलरेडी पी एल सी है साथ में फिर भी पोटेंशियल मीटर भी लगाना चाहते हैं, तो ए आई टू टर्मिनल आप इनेबल करने के लिए आपको टू सेट करना होगा। फ्रीक्वेंसी सेटिंग मोड में आपको एफ जीरो जीरो फाइव में टू सेट करेंगे तो दूसरा फंक्शन के लिए ड्राइव रेडी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने वन ए आई वन हमने यूज किया है पी एल सी के थ्रू यूज करने के लिए, तो हमने वन सेट कर दिया, ठीक है। अगर आपको दूसरा फंक्शन के लिए भी यूज करना है तो सिलेक्शन मोड में आपको टू सेट करेंगे, मतलब एफ जीरो जीरो फाइव में टू सेट करेंगे तो आपको ए आई टू टर्मिनल इनेबल हो जाएगा। मतलब आप लोग जैसे हमने डी टी सी कंट्रोलर एक यूज किया है उसके थ्रू फ्रिक्वेंसी देंगे इसको इंक्रीज डिक्रीज का, और आप दूसरा कोई पोटेंशियल मीटर भी साथ में लगाना चाहते हैं तो उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे अगर हम थ्री सेट करेंगे तो कीपैड के थ्रू हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग फोर सेट करेंगे तो सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग इस ड्राइव को ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग फाइव सेट करेंगे तो हम लोग अप डाउन जो इसके ऊपर बटन है उसके थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। सिक्स सेट करेंगे तो हम लोग ए आई वन और ए आई टू दोनों हम लोग दोनों टर्मिनल एक साथ में इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम सेवन हमारे अगर इसके अंदर हम लोग सेवन सेट करेंगे तो हम लोग पी आई डी कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं कीपैड के थ्रू, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं पी आई डी के लिए, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा आपको बता दिया। हमने वन सेट कर दिया क्योंकि हमको ये डिफॉल्ट ए वन नहीं हमको यूज कर रहे हैं तो हमने ए वन सेट कर दिया, ठीक है। आप अगर ये सेट नहीं भी करेंगे, अगर आप एक टर्मिनल यूज कर रहे हैं ए वन या अगर ये सेट नहीं करेंगे फिर भी कोई इशू नहीं है, हम लोग इंटर करेंगे सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग ऑफ की दबाएंगे तो एफ जीरो जीरो सिक्स आ रहा है, ठीक है। एफ जीरो जीरो सिक्स जो है हमारा ये पी आई डी कंट्रोल के लिए है सेटिंग, ठीक है। इसके अंदर जीरो है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर अगर पी आई डी कंट्रोल यूज करना चाहते हैं, पी आई डी कंट्रोल के थ्रू अगर आप फ्रिक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं उसके थ्रू, तो आप लोग इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। एफ जीरो जीरो सेवन आ रहा है, एफ जीरो जीरो सेवन हमारा मैक्सिमम आउटपुट फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। ये हमारा 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है। एफ जीरो जीरो एट में भी हमारा अपर लिमिट फ्रिक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़। एफ जीरो जीरो नाइन, एफ जीरो जीरो नाइन जो हमारा है ये लोअर लिमिट फ्रिक्वेंसी 0 हर्ट्ज़ है, ठीक है। एफ जीरो टेन है, एफ जीरो टेन जो हमारा है एक्सलेशन टाइम है, मोटर को एक्सलेशन है, इसमें 1 सेकंड है। आप चाहें तो अप डाउन बटन से आप लोग इसका टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, हमने 1 सेकंड रखा। एफ जीरो एलेवन ये हमारा डी एक्सलेशन टाइम है, मोटर को स्टॉप होने का टाइम है, ठीक है। इसके अंदर 1 सेकंड डिफॉल्ट है, आप चाहें तो अप डाउन बटन से आप लोग जितना टाइम चाहे वो लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा इंटर करने का सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बैक साइड में जाएंगे, उसके बाद एफ वन मोड में जाएंगे हम। ये फोन मोड हमने आ गया, उसके बाद इंटर करेंगे तो इसका ऊपर 100 का ऊपर पूरा पैरामीटर मिलेगा आपको, ठीक है। तो 100 में इसमें जाने के बाद आपको मोटर का पूरा डाटा आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। एफ 100 में ऊपर पैरामीटर में जाएंगे तो अब ये एफ 100 में 0 है, ठीक है। तो 0 हमने इसको डिफॉल्ट में 0 छोड़ दिया। एफ 101 आ रहा है, ठीक है। एफ 101 हम इंटर करेंगे तो इसको हमारा इसको 50 हर्ट्ज़ है, तो 50 हर्ट्ज़ में हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि मोटर का रेटेड फ्रिक्वेंसी है 102 आ रहा है, 102 आ रहा है, मोटर का रेटेड वोल्टेज है 380 वोल्ट है डिफॉल्ट। कम और ज़्यादा करना है तो अप डाउन बटन से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाउन की करेंगे तो अप और डाउन बटन से आप लोग जितना वोल्टेज है मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। 102 में मोटर का डाटा है,
103 में आपका मोटर रेटेड करंट है, कितने एम्पीयर का आपका मोटर के ऊपर नेम प्लेट पे चेक करके कितने एम्पीयर है वो रेट आप लोग करंट इसमें सेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो 15.5 है तो हमने सेट कर दिया, इंटर करेंगे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है पैरामीटर 104 हमारा मोटर का रेटेड स्पीड है, मतलब RPM है, मोटर का आपको नेम प्लेट पर मिल जाएगा, मोटर आपका कितने RPM का है वो आप मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, और कम ज़्यादा है तो अप डाउन बटन से आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए 105 आ रहा है। ठीक है, 105 हमारा मोटर का नो लोड करंट है, इसको हम लोग 35 में रखा है। ठीक है, इसको डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे हम लोग। 106 हमारा आ रहा है मोटर थर्मल प्रोटेक्शन है, इसको हम लोग 00 में छोड़ देंगे, 0.0 में। ठीक है, इसको हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारा 108 आ रहा है, 50 हर्ट्ज़ है। अभी हम लोग इसको जो इसका जो मोटर का बेसिक डाटा हमने सेट कर दिया, स्किप का बटन दबाएंगे बैक हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग F1 में जाएंगे, F2 में जाएंगे। F2 में 200 के ऊपर पूरा पैरामीटर मिलेगा, अभी 201 आ रहा है। ठीक है, तो 201 जो हमारा है इसके अंदर हम लोग 204, 250 ये जो बेसिक पैरामीटर है हम लोग इसके अंदर हो गया। अभी F3 में जाएंगे, F3 में हम लोग F3 का 300 के ऊपर पूरा पैरामीटर मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसके अंदर जो सेटिंग रहेगा आप लोग इसके अंदर इजीली सेट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक सेटिंग है। और उसके बाद F4 में जाएंगे तो F400 का पूरा डाटा आपको इसके अंदर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंटर करके देख लेंगे, F400 में 0 है, F402 में 300 है। तो हम लोग एक एक पैरामीटर के अंदर जाकर पूरा फंक्शन कैटलॉग के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। F500 में जाएंगे तो F500 के ऊपर पैरामीटर पूरा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में जाने के लिए स्किप का बटन दबाएंगे, उसके बाद में ऑफ बटन दबाएंगे तो F6 आ रहा है। F6 में जाने के बाद F600 से ऊपर का पूरा पैरामीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा दूसरा पैरामीटर में जाएंगे तो F601 आ गया। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 ये पूरा ऑप्शन आपको इसके अंदर मिला। उसके बाद F7 में हम लोग जाएंगे। ठीक है, F7 में जाने के बाद हम इंटर करेंगे तो F700 आ गया। ठीक है, F700 में जाने के बाद में हमारा जो सेटिंग है आप लोग इसके अंदर जॉब सिलेक्शन मल्टी स्पीड के पूरा सेटिंग आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्ट ड्राइव के जो बेसिक सेटिंग है हमारा हो चुका है। अभी मैं इसको ऑन करके देखता हूँ मैनुअल मोड में। ठीक है, मैनुअल मोड में स्टार्ट हमने कर दिया, लेकिन हम लोग इसको कैसे सेट करते हैं इसके अंदर देख लेते हैं। ये इसको मैनुअली कीपैड के थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी को अप एंड डाउन करके सेट कर लेंगे, कितना फ्रीक्वेंसी रखना चाहिए वो हम अप डाउन बटन से हम लोग इसको इंक्रीज डिक्रीज करके मैंने एक सेट कर रहा हूँ, इसको देख सकते हैं। मैंने 90 हर्ट्ज़ रख दिया, उसके बाद हम लोग स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम लोग स्टार्ट इसको कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अगर आप पोटेंशियोमीटर के मतलब इसके इस ड्राइव के ऊपर जो पोर्ट लगा हुआ है इसके थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी इसी में टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरा BFD को मैं ऑलरेडी कीपैड के थ्रू ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं PLC के थ्रू ऑपरेट करके दिखाऊँगा। अभी हमने इसको पूरा कीपैड के थ्रू ऑन कर दिया हमने, अभी हमको इसको पूरा ड्राइव को ऑफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पूरा BFD हमारा रन हो चुका है, मोटर भी रन हो चुका है। पोर्ट के थ्रू भी इसको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ठीक है, पूरा BFD रन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको पोर्ट के थ्रू मैं ऑन कर सकता हूँ, देख सकता हूँ मैंने सेटिंग कर दिया हो। अभी इसको पोर्ट के थ्रू इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी BFD के कंप्लीट डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, जैसे कि A to Z कंप्लीट वीडियो है ऑल फंक्शन के साथ में पूरा लॉजिक के साथ में वीडियो देखना चाहते हैं, तो वीडियो 1 आवर का ऊपर वीडियो है, 1 आवर के ऊपर हमने वीडियो बना कर रखा है। तो इस वीडियो के एंड स्क्रीन में वो वीडियो डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का। इस वीडियो का खत्म होते हुए वीडियो आप जरूर देख लेना ताकि इस BFD से रिलेटिव आपको मन में कुछ भी डाउट ना बचे। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।